जिंदगी वादे पना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने के बदौलत होगा। ये शायरी 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के पठान परिवार में जन्मे महान क्रांतिकारी अशफाकउल्लाह खान के, जिन्होंने 26 साल के छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर स्वाधीनता की लड़ाई में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। अशफाकउल्लाह खान क्रांतिकारी जीवन उनके दोस्त बिस्मिल जी के बगैर अधूरी है। अशफाकउल्लाह खान और बिस्मिल जी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दिन तो बड़ा अजब गजब सा किस्सा हुआ। एक रात बीमारी की हालत में अशफाक बार बार राम राम कह के पुकारने लगे। यह सुन के घर वाले परेशान हो गए, यह जाने बगैर कि वो बिस्मिल जी को याद कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को राम और कृष्ण कह के संबोधित करते थे। बिस्मिल जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाने के कारण 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाकउल्लाह खान को फांसी हो गई। इस तरह देश के महान शहीदों में एक नाम और जुड़ गया और वह नाम था अशफाकउल्लाह खान। अभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज्य देखेंगे, अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकउल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन ठाकुर, राजेंद्र लहरी की शहादत ने देश के दिल को दहलाया नहीं था बल्कि सबकी रूह को जगा दिया था। यह वीडियो एक छोटी सी श्रद्धांजलि है अशफाकउल्लाह खान और उनके साथियों के नाम।